हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास फॉर क्लास फिफ्थ. द टॉपिक टुडे विच वी आर गोइंग टू कवर इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो जैसे आपको मैं कोई एग्जांपल देती हूँ. जैसे हमको लिया है, हमने लिया है अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर रीड अबाउट 4 लाख टिकट्स वे सोल्ड फॉर कॉमनवेल्थ गेम. यानी कि किसी कॉमनवेल्थ गेम के लिए एक रिपोर्टर ने न्यूज़ में छापा है कि उसने 4 लाख टिकट सोल्ड करे हैं. तो यू डोंट नो एग्जैक्ट नंबर दैट वेदर ही हैज़ सोल्ड 4 लाख टिकट्स और नॉट. इट मे बी लेस देन और मोर देन. सो ही हैज़ एस्टिमेटेड द नंबर अप टू 4 लाख. सो दिस इज कॉल्ड एज एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स और राउंडिंग ऑफ नंबर्स. नंबर्स कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, 10,000 एंड सो ऑन. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल 3 राउंडिंग ऑफ नंबर्स. ठीक है, टिल नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1,000. सो फर्स्ट वी विल गो विद राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10. ठीक है, ओके, लुक एट द स्क्रीन, यू कैन सी हियर. To round off a number to the nearest 10, यानी कि क्या कह रहे हैं ये लोग, ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई नंबर nearest 10 के लिए राउंड ऑफ करना है तो what will you have to do? You have to look at the digit at ones place. यानी आपका जो digit है वो ones की place पे आप उसको देखेंगे. ठीक है, like I am giving you an example. It is 1, 2, 3. First of all, you all know the place values, okay? Ones, tens and 100. So what they are saying, we have to round up to the nearest 10. Nearest 10 के लिए आपको round up करना है. तो जब आपको nearest 10 को round up करना है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि आपकी value जो है, ones की place में आपकी value क्या है? What is the value below ones? प्लेस. ठीक है, तो इसके लिए भी आपको दो रूल्स दिए गए हैं. द फर्स्ट रूल इज लुक एट द स्क्रीन. इट इज़ गिवन दैट इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 4 और लेस देन प्लेस 0 एट वंस प्लेस एंड लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस रिमेन एज इट इज. व्हाट आर दे सेइंग? दे आर सेइंग दैट अगर आपका जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, क्या था मेरा एग्जांपल, 1, 2, 3. ओके, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपका कोई नंबर आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 के लिए, तो जब आपके डिजिट वंस की प्लेस में कोई नंबर है 0 to 4 के बीच में कोई नंबर अगर आपका आता है, ठीक है, तो हमारा नंबर क्या है वंस की प्लेस में, हमारा नंबर है 3. तो अब ये 0 to 4 के बीच में आ रहा है ना, तो अब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा है कि अगर 0 के बीच में कोई नंबर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वंस की प्लेस में 0 को लगा देंगे और लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस रिमेन द सेम. और जो आपका टेंस की प्लेस पे जो डिजिट है उसको आप एज इट इज़ नीचे उतार देंगे. तो आपका नंबर क्या आया, 120. लेट मी गिव अनदर एग्जांपल फॉर दिस. लाइक आई हैव अनदर एग्जांपल फॉर इट, 2, 2, 1. ठीक है, अब मैंने आपको ये नंबर दिया है, अब आपको नियरेस्ट 10 के लिए इसको राउंड ऑफ करना है. तो हाउ विल यू राउंड ऑफ, व्हाट विल यू डू? वी जब आपको टेंस के लिए राउंड ऑफ करना है, तो व्हाट विल यू सी? यू विल सी द नंबर एट वंस प्लेस. ठीक है, और मैंने आपको बताया था 0 से 4 के बीच में कोई नंबर आता है, देन व्हाट विल वी डू? वी विल 0 की प्लेस के पास का जो नंबर है उसके नीचे आप 0 लिख देंगे, टेंस की प्लेस पे जो नंबर है उसको एज इट इज़ रखेंगे और आगे वाला नंबर भी एज इट इज़ उतार देंगे. तो यह नंबर आया आपका 220. तो ये तो आपका एक फर्स्ट रूल हो गया. अनदर रूल इज़ दैट इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज़ 5 or more, यानी कि अभी हमने पढ़ा था 0 या 4 के बीच में कोई नंबर आ रहा है, तो आप क्या करोगे, 0 की प्लेस वंस की प्लेस में 0 ऐड कर देंगे, प्लेस कर देंगे एंड टेंस की प्लेस को एज इट इज़ छोड़ेंगे. लेकिन अगर आपका नंबर वंस की प्लेस में 5 या 5 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप वंस
वंस की प्लेस पे तो जीरो ऐड करेंगे और टेंस की प्लेस पे आप वन नंबर और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल. 4, 2, 7 दिस इज़ माई एग्जाम्पल. ठीक है, तो अब आपको नियरेस्ट 10 करना है. तो नियरेस्ट 10 कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, ये 10s है, ये 100 है और ये 1s है. तो 1s को ही देखेंगे हम. ओके, तो 1s में हमारा नंबर क्या है, 7. और हमने आपको बताया था 5 या 5 से अबाव अनटिल 9. ठीक है, अगर कोई नंबर आपका 1s की प्लेस में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यू विल राइट 0 एट 1s प्लेस एंड इसमें 10s की प्लेस में आप 1 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3. एंड नीचे उतार लीजिए 4. तो नंबर विच वी विल गेट इज 430. ठीक है, यानी कि मेन थिंग इज 0 से 4 के बीच में आता है कोई नंबर तो 1s की प्लेस पे 0 हो जाएगा और 10s की प्लेस पे वही सेम नंबर रहेगा. ठीक है, सेम नंबर. और अगर 5 से 9 के बीच में कोई नंबर आ रहा है तो 1s की प्लेस पे तो आपका 0 रहेगा और 10s की प्लेस में प्लस 1 ऐड हो जाएगा. ठीक है, दिस इज़ हाउ यू हैव टू राउंड ऑफ नंबर. इसी सीरीज़ में आपको राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100. ठीक है, इसमें भी आपको यही है. इन दिस व्हाट वी हैव टू डू इज टू राउंड ऑफ अ नंबर टू नियरेस्ट 100, लुक एट द डिजिट एट 10 स्पेस. पहले हमने 1s की प्लेस पे देखा था, अब हम नियरेस्ट 100 को राउंड ऑफ कर रहे हैं. तो हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे 10s की प्लेस को. ओके, सो सेम थिंग इज टू बी डन विद द दिस थिंग ऑल्सो. और इसमें भी तो आपको दो रूल्स हैं, कैन लुक एट द स्क्रीन. इफ़ द डिजिट एट द 10s प्लेस इज 4 और लेस देन प्लेस 0 एट द 10s एंड 1s प्लेस. ठीक है, अगर आपका 10s किसका क्या कह रहे हैं, ये 10s की प्लेस में अगर 4 या 4 से लेस कोई नंबर है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप 10s और 1s दोनों की जगह पे क्या कर देंगे, 0 प्लेस कर देंगे एंड द डिजिट एट 100s प्लेस रिमेन्स द सेम. ठीक है, जैसे आपने पहले वाले में करा था कि 1s के नीचे तो 0 रख दिया था और 10s की जगह पर सेम नंबर रखा था. ठीक है ना, जब आपका 0 से 4 के बीच में कोई नंबर आ रहा था. लेकिन अब यहाँ पे आपको नियरेस्ट 100 करना है. तो नियरेस्ट 100 में आप जब करेंगे तो क्या करेंगे, यू विल प्लेस दिस इज 10s, दिस इज 0 एंड दिस इज 100. ठीक है, तो आप क्या है, इन दोनों के पीछे नीचे 0 लगा देंगे और जो नंबर है आपका उसको सेम एज इट इज़ रख देंगे. जैसे आपका मैंने लिया, ओके, विल टेक 2, 5, 4. ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको क्या देखना है, 10s की प्लेस को देखना है ना. 10s की प्लेस में आपने क्या दिया है, 2 दिया है. 2 जो है आपका 4 से 0 से लेस है. ठीक है, तो अब आप इसमें 0 को भी 1s की प्लेस को भी 0 से कर देंगे प्लेस और 10s को भी 0 से प्लेस कर देंगे और आपका जो 100 की जगह पे नंबर है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. ठीक है, एंड द नेक्स्ट रूल इज़ इफ़ द डिजिट एट द 10s प्लेस इज 5 और मोर देन प्लेस 0 एट द 10s एंड 1s प्लेस एंड एड वन टू द डिजिट एट द 100s प्लेस. ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, अगर आपका नंबर लाइक 5, 8, 6 है. ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप इधर 10s और 1s. ठीक है, दिस इज 10s एंड दिस इज 100. तो आप क्या करेंगे, 0 और 10s के 1s और 10s के प्लेस पे 0 कर देंगे और आपका 5 या 5 से बड़ा नंबर आ रहा है, जैसे ये 8 है. ठीक है, तो अब आप इसको इसमें प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 600. दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100. सो प्लीज़ कीप ट्राइंग अंटिल नेक्स्ट वीडियो.